धारा 144 लगने के बाद तमाम तवी के जो चार मुख्य पुल हैं जम्मू में, यूं तो इसका टोटल हम गिने तो 6 पुल आते हैं तवी के ऊपर जम्मू शहर में, लेकिन जो चार मुख्य पुल हैं उस पर धारा 144 कल रात से लग गई है। और साफ तौर पे ना वहाँ पे कोई प्रदर्शन होगा, ना वहाँ पर कोई रैली निकलेगी विदाउट परमिशन, और ना ही 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं। आज की क्या सिचुएशन है, अभी फ़िलहाल क्या परिस्थिति है? फिलहाल अगर आप यहाँ देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पुलिस तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, महाराजा हरि सिंह का हालांकि स्टैचू यहीं पर ही है और हर कोई यहाँ पे कोशिश करता है। आज भी यहाँ पर युवा राजपूत सभा के जो हैं वो लोग आए हुए हैं, लेकिन उनकी एक ही मांग है कि छुट्टी दी जाए, और उसको लेकर परमिशन जो है वो परमिशन भी अब बनवाने के लिए इनके लोग गए हैं, लेकिन इस स्पॉट पर या फिर तवी के आसपास कोई भी ना जाए उसको देखते हुए यहाँ पर भारी तैनाती पुलिस की गई है। ये दृश्य में हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स है यहाँ पर। हालांकि अगर हम युवा राजपूत सभा की बात करें वो लोग ज़्यादा नहीं है, आपको पूरा ये स्पॉट जो है वो खाली दिखेगा, और इस तरफ भी आपको लोग हालांकि कुछ दिखेंगे जिनको पुलिस खड़े तो नहीं होने दे रही है, यहाँ से हटा रही है। कोशिश यही है कि यहाँ पर कोई भी ना आए, स्पॉट पर ना आए, जमावड़ा ना करे, इकट्ठा ना हो। और जो DC जम्मू ने कल का जो एक ऑर्डर इम्पोज कर दिया है उस ऑर्डर के तहत जो है वो साफ तौर पर, लेकिन यहाँ पर कई अफसर तो कह रहे हैं कि मीडिया को यहाँ पर खड़े रहने से मना नहीं किया गया है, मीडिया के लिए कोई मना नहीं किया गया है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर जो स्पॉट पर जो मीडिया वाले हैं उनको भी नहीं जाने दे रहे हैं। हालांकि एक तर्क ये दिया जा रहा है कि मीडिया को यहाँ पर आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिविजुअली आ सकते हैं। तो दो अलग अलग यहाँ पर इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपस में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्रोटेस्टर्स नहीं आएगा, ठीक है वो नहीं आएगा, लेकिन बकायदा अगर कोई प्रेस कर्मी यहाँ से आके इंडिविजुअली सिंगल हैंडेडली अपने कैमरा पर्सन के साथ यहाँ पर आके शूट करता है तो क्या उसको अलाउ किया जाएगा? हालांकि इसको लेकर हमने जब SDPO से वर्बली बात की उन्होंने यही कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर इस पोर्शन की बात करें जब यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है कोई भी मीडिया पर्सन, उसे ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो अकेला हो या उसके साथ उसका एक कैमरा पर्सन क्यों ना हो। तो यहाँ पर क्या ऑर्डर है, क्या उसका जो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है उसको लेकर अभी मुझे लग रहा है जिस तरह से फिलहाल की कंडीशन है कि पुलिस भी थोड़ी सी वो कन्फ्यूज्ड है कि क्या करवाएं कैसे करवाएं, क्योंकि बिल्कुल बगल में प्रेस क्लब है और हर कोई यहाँ पर आता है, और सामने ये जो आपको 5 लोग बैठे हुए दिखेंगे ये युवा राजपूत सभा के लोग हैं। इसी जगह पे कल सैकड़ों लोग तैनात थे, यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर जब से धारा 144 लगा दी गई है उसके बाद से कोई मास गैदरिंग यहाँ पर नहीं होगी, 4 लोग से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, और इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ पर भारी भरकम पुलिस जो है बल वो तैनात किया गया है। और बड़ी बात यह है जो संविधान का जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया, उसको भी यहाँ पर जाने की रोक जो है फिलहाल लगाई गई है। यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इनके साथी अगर आप देखेंगे रोड की उस तरफ खड़े हैं वो भी यहाँ पर अपने साथियों के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि इनको कहा गया कि आप परमिशन लेके आइए, अगर आप परमिशन होगी, और बकायदा कल के ऑर्डर में लिखा गया है अगर किसी को कोई प्रोसेशन निकालना है, रैली निकालनी है, कोई प्रोग्राम करना है तो पहले आप परमिशन लेंगे कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स से, वो जो परमिशन आपको देंगे उसके बाद ही आप कोई ऐसा इवेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या मीडिया कर्मी यहाँ पर नहीं आ सकते अगर कोई 2 लोग भी हैं, क्योंकि कहा गया है कि 4 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। और यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है वो यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा है, पार आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे हालांकि अब कह रहे हैं कि पार चले जाइए। सिचुएशन कुछ अलग ही है, लेकिन मुख्यतः जो धारा 144 का जो मेन वो कह सकते हैं कि जो असर है वो विक्रम चौक से डोगरा चौक की तरफ जाने वाले दोनों तवी ब्रिजेस पे ही दिखेगा। उसके अलावा बाकी जो गुजरनगर पुल की बात करें या भगवती नगर ब्रिज की बात करें वहाँ पर इतना खास कोई असर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग इकट्ठा भी नहीं होते हैं, हर किसी की कोशिश होती है। ये महाराजा हरि सिंह का स्टैचू यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से जगह भी है कि लोग काफ़ी खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनको खड़े यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर इस ऑर्डर को जो कल से धारा 144 लगाई गई है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ पर काफ़ी तैनाती पैरामिलिट्री फोर्स की, पुलिस की जो है वो की गई है, और अगर कोई यहाँ से गुजरता है तो उसे अलाउ नहीं किया जा रहा है।
बीच में मीडियाकर्मी भी हैं, उन्हें भी अलाउ नहीं किया जा रहा है और कई सारे लोग यही स्थिति को यहाँ पर, इसी सिचुएशन को देखने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं कि वजह क्यों नहीं, क्या है। और हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पहुँच रहे हैं जो कोई सोशल वर्कर है, कोई सियासी बात करने वाला, अपने जो विषय रखने वाला व्यक्ति है उससे है। मैं यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं, साफ तौर पे पांच लोग युवा राजपूत सभा के आज भी यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी इनके लोग परमिशन, जैसे उन्होंने बताया बाकायदा कि हम परमिशन लेने के लिए भेजे हुए हैं, तो वो सब हैं। लेकिन बड़ी बात, इस जगह पर मीडिया कर्मी भी ऊपर नहीं जा सकते ऐसा कहा जा रहा है। और इसको देखते हुए यहाँ पर जैसे कोई और अपडेट होगी हम फिर आपके साथ, जो फोर्स है उसकी तैनाती की गई है, भारी भरकम फोर्स है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ये फोर्स भारी भरकम है, इसके आगे आप नहीं जाएंगे ऊपर, अगर कोई जा रहा है उसको नीचे उतार रहे हैं। और साफ तौर पर एक संदेश है कि धारा 144 लगाई गई है, आप उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन क्या डेमोक्रेसी में रहते हुए किसी इंसान को ये भी राइट नहीं है कि दो लोग एक लोग, और जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जिसे कि मीडिया को कहा जाता है, उसे भी जो है इस समय यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कोई बात करे ना करे, लेकिन खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन जब हमने SDPO से वर्बली बात की, उन्होंने कहा कि हमने किसी को मना नहीं किया, आप जा सकते हैं। लेकिन तस्वीरें, अगर हम यहाँ से गुजरने की, यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, जैसे हम यहाँ पर अभी आए हैं, तो यहाँ बोल देंगे आप नीचे चले जाइए, यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं। तो आखिरकार क्या आन पड़ी कि एकाएक जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने ये ऑर्डर रिलीज कर दिया कि तमाम चार पुल हैं जो तवी के, उस पर जो है सेक्शन 144 इम्पोज कर दी गई है। और वजह क्या है, क्या युवा राजपूत सभा जो महाराजारी सिंह के जम्मू जो उसकी छुट्टी की डिमांड कर रही है उसको लेकर ये सारा एक्शन जो है एकदम से हुआ है, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर जो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या इससे कुछ खास असर होगा? जो कहा जा रहा है कि पुल बंद हो जाते हैं, लोग हरास होते हैं, लेकिन क्या इस पूरी जो अभी इस कोर्स ऑफ एक्शन से जम्मू में क्या असर होता हुआ दिखेगा? जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।